महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। दोनों के बीच एक बार फिर सियासी युद्ध छिड़ गई है। इस बार बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है कि उद्धव गुट की नींद उड़ गई है। बीजेपी के इस फैसले से उद्धव गुट को बीएमसी में हार का डर सताने लगा है। दरअसल इस बार मराठी डांडिया पर सियासी घमासान मच गया है। शिवसेना उद्धव गुट को लग रहा है कि बीजेपी मराठी डांडिया के बहाने मराठी वोटरों को अपने पाले में कर लेगी और इससे उसे बीएमसी समेत आने वाले चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। लिहाजा उद्धव गुट वाली शिवसेना ने बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया है। शिवसेना का कहना है कि मराठी डांडिया से शिवसेना की नींव एक इंच भी नहीं लेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में पार्टी ने कहा कि पिछले 50 सालों में बीजेपी ने ऐसे कई डांडिया प्रयोग किए लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि शिवसेना का ढांचा अभी भी मजबूत नींव पर खड़ा है, ये बीजेपी के मराठी डांडिया के कारण एक इंच भी नहीं लेगा। बीजेपी बीएमसी से भगवा झंडा उतारने के लिए कई हथकंडे और खेल खेल रही है। उनकी नीति एक तरफ मराठी लोगों को बांटने की है तो दूसरी तरफ शाकाहार और मांसाहारी जैसे मुद्दों को उठाकर समुदायों को अलग करने की है। बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को टक्कर देने के लिए मुंबई बीजेपी ने पहली बार मध्य मुंबई के लालबाग परेल इलाकों में मराठी डांडिया उत्सव का आयोजन किया है। हालांकि ये पहली बार है जब बीजेपी शिवसेना के इलाके में डांडिया का आयोजन करा रही है, जहां स्थानीय विधायक सांसद और लगभग सभी बीएमसी पार्षद शिवसेना से हैं। बता दें कि हाल ही में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली है। शिवसेना अभी दो गुटों में बटी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। बीजेपी शिंदे वाली शिवसेना के साथ सरकार में है, ऐसे में मराठी डांडिया जैसे कार्यक्रम आयोजित कराकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। वहीं बीजेपी द्वारा मराठी डांडिया के आयोजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। समझा जा सकता है कि उद्धव गुट को मराठी वोट खिसकने का डर सताने लगा है। हालांकि चुनाव में इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक लड़ाई सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच था, लेकिन अब गहलोत आलाकमान से सीधे भिड़ गए हैं। वजह, आलाकमान उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर उनसे सीएम की कुर्सी लेना चाहती है, लेकिन गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं गहलोत का खेमा चाहता है कि अगर गहलोत सीएम नहीं रहते हैं तो गहलोत की पसंद का ही सीएम हो, जबकि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को सीएम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राजस्थान के कई विधायकों ने गहलोत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संग्राम के बीच कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने गहलोत को 1998 की याद दिलाई है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि उस समय एक लाइन का फैसला आया था और सभी विधायकों ने मान लिया था। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने गहलोत को याद दिलाया कि उस वक्त 1998 में पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता परसराम मदेरणा का बोलबाला था और कांग्रेस की राजस्थान में जीत के बाद सबको यकीन था कि सीएम का पद परसराम मदेरणा ही संभालेंगे, लेकिन अगली सुबह दिल्ली से आलाकमान ने मदेरणा की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत का नाम फाइनल कर दिया। इसके साथ ही दिव्या मदेरणा ने कहा कि 2008 का फैसला भी डॉक्टर सीपी जोशी जी और पूरे ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में नहीं था। 2018 में भी सचिन पायलट जी और पूरे गुर्जर समुदाय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हर दशक में सभी ने इसे स्वीकार किया है। ऐसे में दिव्या का कहना है कि अशोक गहलोत को भी आलाकमान का फैसला मानना चाहिए। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं युवा विधायक दिव्या मदेरणा खुलकर पायलट के समर्थन में आ गई हैं। दूसरी तरफ उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की ओर से पार्टी विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के लिए शर्त रखना अनुशासनहीनता थी। दिव्या मदेरणा ने सचिन पायलट को एक युवा चेहरा बताते हुए कहा कि जनता में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान का ही होगा, वो जो भी फैसला करेंगे उनके साथ हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। बता दें कि दिव्या के अलावा कई विधायकों ने खुलकर पायलट का समर्थन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में गहलोत अब बैकफुट पर चले गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आलाकमान पायलट को सीएम बनाता है या नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अब शिवसेना और चुनाव चिन्ह पर भी चढ़ाई की है। मामला चुनाव आयोग के पास है। आयोग को फैसला करना है कि असली शिवसेना किसकी होगी। एक तरफ शिवसेना अपने में फंसी हुई है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। जल्द ही बीजेपी में एनसीपी के एक बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा हो रही है।
कहा जा रहा है कि जलगांव जिले में कांग्रेस विधायक शिरीष चौधरी कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मतलब बीजेपी एक साथ दोनों दलों को चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के बयानों के जरिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि और भी कई कांग्रेसी नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का दावा इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। वहीं मामले को लेकर विधायक शिरीष चौधरी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊं। हालांकि चौधरी भले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन हवा उड़ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मतलब कांग्रेस को आने वाले दिनों में झटका लगने वाला है। बहरहाल महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की चढ़ाई पूरे चरम पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में अघाड़ी गठबंधन को बीजेपी और शिंदे मिलकर बड़ा झटका दे सकते हैं। बीजेपी और शिंदे अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी को और कमजोर करने की ठान ली है। वहीं खबर के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट के कुछ विधायक और सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के ये नेता बीजेपी और शिंदे खेमे में कब शामिल होते हैं। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्या अशोक गहलोत जो चाहते थे वही हो रहा है और कांग्रेस हाईकमान गहलोत के बिछाया जाल में फंस गया है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तैरने लगा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गहलोत की कुर्सी पर खतरा आया तो उनके खास नेताओं ने जयपुर से मोर्चा संभाला और सीधे कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ गहलोत चुपचाप तमाशा देख रहे थे और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके साथ ही उनके खास मंत्री ने दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों पर खुलेआम गंभीर आरोप लगा दिए। इससे साफ संदेश मिला कि गहलोत गुट अपनी शर्तों पर राज्य का अगला सीएम चाहता है। गहलोत गुट किसी भी कीमत पर पायलट को सीएम मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में राजस्थान में बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान को गहलोत के आगे झुकना पड़ा। वहीं एक बार फिर सचिन पायलट सीएम के रेस से दूर होते दिख रहे हैं। दरअसल सियासी ड्रामा रचने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने खुद इस बात का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही अब अशोक गहलोत के सीएम बने रहने पर भी सस्पेंस बढ़ गया है। गहलोत ने साफ कहा है कि वो राजस्थान के सीएम रहेंगे या नहीं ये उनके हाथ में नहीं है, सोनिया गांधी इस पर फैसला करेंगी। हालांकि गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे इस दौरान उनके हाथ में एक कागज था जिसकी तस्वीर सामने आई है। कैमरे में कैद इस कागज की तस्वीर पर लिखा है कि जो हुआ बुरा हुआ, मैं बहुत आहत हूं। इतना ही नहीं, इस कागज की तीसरी लाइन में सीपी जोशी का नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। ऐसे में अब इस बात पर मोहर लगती दिख रही है क्योंकि जो चिट्ठी गहलोत के हाथ में थी उसमें सीपी जोशी का नाम लिखा होना इस बात का साफ संकेत है कि गहलोत की पहली पसंद सीपी जोशी है। हालांकि अब गहलोत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने सोनिया गांधी को इस बात के लिए मना लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और सीएम पद पर बने रहेंगे। सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत का ये ऐलान करना कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसे गहलोत गुट की जीत मानी जा रही है। ऐसे में अब पायलट का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा क्योंकि इस बार भी पायलट के हाथ से सीएम की कुर्सी फिसलती दिख रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में फंसने से केजरीवाल परेशान हैं, लेकिन इस बीच केजरीवाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर केजरीवाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। दरअसल एक बैठक को छोड़कर केजरीवाल गुस्से से बाहर निकल रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सवालों के जवाब देने से बचने के लिए एनडीएमसी की बैठक छोड़कर निकल लिए। खबरों की माने तो एनडीएमसी की बैठक में प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही केजरीवाल वहां से निकल लिए। वीडियो खुद कुलजीत सिंह चहल ने शेयर किया है जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप सिंह चहल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नगर परिषद के स्कूलों की स्थिति और आरटीआई से मिले जवाब को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर बाद बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले जाते हैं। इस पर कुलदीप चहल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं है क्या, भाग क्यों रहे हैं। वहीं बैठक छोड़कर जाने के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सवालों को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब असलियत में सवालों से सामना होता है तो दुम हिलाकर मीटिंग को छोड़कर भाग जाते हैं।
मनोज तिवारी ने पूछा कि भाग क्यों गए अरविंद केजरीवाल जी। उधर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने भी केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर केजरीवाल को यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। परशुराम नाम के एक यूजर ने लिखा कि भगोड़े केजरीवाल। प्रीति नाम की एक यूजर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जो आदमी सच का सामना नहीं कर सके और भरी मीटिंग से भागने लगे वो सत्ता की कुर्सी पर बैठने लायक कैसे हो सकता है। वहीं रिंकू ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया का केजरीवाल पैसे देकर मुंह बंद करा देते हैं, लेकिन सामने से कोई सवाल पूछे तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। बता दें कि इसके अलावा भी कई यूजर्स ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक छोड़कर भाग खड़े होकर एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होने हैं और उनका ये वीडियो चुनाव में मुद्दा बन सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।